हेलो फ्रेंड्स, शेंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम गुजरात की फेमस डिश फाफड़ा बनाएंगे और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप पहली बार में ही फाफड़ा बहुत अच्छा बना पाएंगे। तो मैंने फाफड़ा को कैसे बनाया है ये जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फाफड़ा बनाना शुरू करते हैं। फाफड़ा बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, नमक, अजवाइन, हल्दी पाउडर, बेकिंग पाउडर और रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके अंदर बेसन डालेंगे, आधी छोटी चम्मच नमक, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 पिंच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हम अजवाइन लेंगे, हाथों से क्रश करके डाल देंगे। पहले हम सूखे इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी फाफड़ा को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। हाथ के साथ मिक्स करेंगे कि बेसन और तेल है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद आप ऐसे आटे की मुट्ठी बांध के देखिए। देखिए आप हल्की सी मुट्ठी बंध रही है, हमें इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ इतना ही डालेंगे कि आटे की हल्की सी मुट्ठी बंधे। देखिए आप ऐसे। अभी हम इसके अंदर धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। हम इसमें एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा जो डो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। हमें फाफड़ा बनाने के लिए मीडियम डो चाहिए। देखिए ऐसा होना चाहिए हमारा डो। और डो तैयार करने में मेरा टोटल 3 बड़े चम्मच पानी लगा है। अभी हम आधी छोटी चम्मच तेल डालेंगे। अच्छे से हम आटे को मसल लेंगे कि हमारा जो डो है एकदम चिकना हो जाए। देखिए आप ऐसे। अभी हमें डो को रेस्ट पे नहीं रखना है, अभी हम फाफड़ा बनाना शुरू करेंगे। पहले हम छोटे छोटे साइज की लोई बना लेंगे, नींबू से भी छोटे साइज की लोई बनाएंगे। देखिए ऐसे सारी लोई ऐसे ही तैयार कर लेंगे। एक लोई लेंगे, बाकी लोई को हम ढक देंगे। और फाफड़ा बनाने के लिए मैंने पॉलिथीन शीट ली है, उसको पहले हम सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हमें इस पर ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा से ऑयल से ग्रीस करेंगे। अभी हम लोई को ऐसे सिलेंड्रिकल शेप देंगे और पॉलिथीन शीट पर रखकर हाथ से प्रेस कर देंगे। ऊपर से भी पॉलिथीन शीट रखेंगे और अभी हमें इसे बेलन से बेलना नहीं है, सिर्फ इसको आगे की तरफ बढ़ाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। जोर से करेंगे तो नहीं हमारा जो फाफड़ा है वो टूट जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ बढ़ाना है इसको। फ्रेंड्स, वैसे तो जो इसका ट्रेडिशनल तरीका है हाथ से बनाने का है, लेकिन हाथ से सब लोग नहीं बना पाएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया है आप वैसे ट्राई करेंगे तो आपके पहली बार में ही बहुत ही अच्छे फाफड़े बनेंगे। देखिए अब बिल्कुल तैयार हो गया हमारा। धीरे से हम फाफड़ा को उतारेंगे और आप देखिए कितना इजीली उतर गया है। और फ्रेंड्स देखिए आप फाफड़ा कितने पतले हैं। और हमें फाफड़ा को बना बना के नहीं रखना है, इन्हें हम बनाते जाएंगे और साथ में फ्राई करेंगे। तो तेल पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल मेरा मीडियम गर्म हो गया है और फ्लेम को मैंने लोअर मीडियम के बीच में कर लिया है। और जितने साइज़ की हमारी कढ़ाई है उतने साइज़ का हम फाफड़ा बनाएंगे। और हमें पॉलिथीन शीट को बार बार ऑयल से ग्रीस नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आप इस फाफड़े की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बनाने में जितने आसान है खाने में उतनी क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है आप इन्हें स्टोर कर 10 से 12 दिन तक आराम से खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। हम सारे फाफड़ा ऐसे ही तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स फ्राई करते हुए आपको इस बात का ध्यान देना है कि फाफड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो हम इन्हें बार बार नहीं पलटेंगे। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तब हम इन्हें पलटेंगे दूसरी तरफ से फ्राई होने के लिए। और हमें फ्रेंड्स इन्हें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, सिर्फ इनका हल्का सा ही कलर चेंज हो जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। हम सारे फाफड़ा तैयार कर लेंगे। देखिए हमारे सारे फाफड़ा बिल्कुल तैयार है, ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए आप
इतने क्रिस्पी बने हैं खाने में और बहुत ज्यादा टेस्टी भी बनते हैं, और इन्हें आपने देखा बनाना कितना आसान है, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको आज की रेसिपी मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी आपको। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।